शुरुआत में सबसे बड़ी खबर से मुखातिब करवा दूं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बेसमेंट की खुदाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। एसएमएस स्कूल के अंदर की ये पूरी घटना है। सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, जहां बेसमेंट की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा घटित हुआ और मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। फिलहाल सूचना के आधार पर पुलिस और साथ ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मजदूर के शव को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यह हादसा घटित हुआ और फिलहाल रेस्क्यू के जरिए मजदूर को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो बेसमेंट की खुदाई के दौरान एक बड़ा हादसा घटित हुआ, मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। एसएमएस स्कूल के अंदर की ये पूरी घटना बताई गई, जहां पर बेसमेंट में खुदाई के दौरान एक मजदूर की दबने के चलते मौत हो गई। फिलहाल सूचना के आधार पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अब मजदूर के शव को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी खबर जयपुर से है, जहां एसएमएस स्कूल में बेसमेंट में खुदाई के दौरान यह हादसा घटित हुआ और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। और फिलहाल पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू के जरिए मजदूर के शव को बाहर निकालने की कवायद कर रही है। ये बड़ी खबर जयपुर से, जहां एसएमएस स्कूल में बेसमेंट की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा घटित हुआ और मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। बता दें, बेसमेंट की खुदाई चल रही थी और इसी दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी सत्यनारायण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, ऐसी क्या कमी रह गई कि बेसमेंट के दौरान मजदूर दबने से उसकी मौत हो गई? क्या प्रॉपर इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं लिए गए या क्या कुछ रहा? देखिए, निजी स्कूल के अंदर एक खुदाई का काम चल रहा था, जिसके अंदर एक बिल्डिंग बेसमेंट बन रहा था, लेकिन अचानक ही मिट्टी ढहने से जो मजदूर नीचे काम कर रहा था वो मिट्टी में दब गया था। उसके बाद में उसको निकालने के अंदर काफी टाइम लग गया, जिसकी वजह से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि राहत की बात यह है कि वहां पर करीबन एक दर्जन से अधिक मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन उनके कोई चोट नहीं लगी, ये राहत की बात है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जो मृतक मजदूर है उसका शव मोर्चे में रखवा दिया गया। साथ साथ एक मामला भी दर्ज किया पुलिस ने, जिससे की इसमें किसकी लापरवाही रही, ठेकेदार की लापरवाही रही या फिर अन्य किसी की लापरवाही, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करके उचित जांच शुरू कर दी गई है। ज्योति सत्यनारायण, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं लगातार, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है? क्या मजदूर को बाहर निकाला जा चुका है? बिल्कुल, जो मजदूर मृतक है उसको बाहर निकाला जा चुका है और ये भी बात सामने आ चुकी है कि अब कोई मजदूर दबा हुआ नहीं है। हालांकि उस समय जब हादसा हुआ, काफी भारी मिट्टी ऊपर से गिरी, लेकिन 12 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन वो बच गए, ये एक राहत की बात रही कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बेसमेंट खुदाई के अंदर ये काम चल रहा था, इसलिए अब पुलिस की जांच में सामने आया कि वहां पर उन्होंने इजाजत ली थी या नहीं ली थी बेसमेंट खुदाई की, क्योंकि बेसमेंट जयपुर के अंदर बेसमेंट खुदाई कर दी है, कॉमर्शियल बेसमेंट खुदाई कर दी है। पहले पुलिस की जांच लेनी पड़ती है, प्रशासन की जांच लेनी पड़ती है, जांच में कौन दोषी है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज्योति सत्यनारायण, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बयां कर रही है, ये हादसा बयां कर रहा है, चूंकि एक और मजदूर की मौत हो गई, लेकिन क्या इसमें पूरे ठेकेदार की लापरवाही सामने आई या क्या कुछ रहा? क्या सुरक्षा के उपकरण सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं किए गए? देखिए, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर शहर के अंदर अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग को बना रहा होता है तो उसको बेसमेंट खुदाई के लिए प्रशासन की और पुलिस की अनुमति लेनी होती है, इसलिए पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है ना कि ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है कि उन्होंने अनुमति ली थी या नहीं ली थी, इसकी जाँच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो 12 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे उनकी जान कहीं ना कहीं पूरे केस में बच गई है। फिलहाल जो मृतक मजदूर है उसके परिजनों को सूचना कर दी गई है, उसके शव को कोविड जांच के लिए मोर्चे में रखा दिया गया है, कोविड जांच के बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ज्योति सत्यनारायण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।